सो so, आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो हाई ऑल दिस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू डिस्कसिंग सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इटेंसिटी तो जानेंगे इस वीडियो में दो और ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में जिनसे आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा और बहुत स्ट्रॉग सो वॉच द वीडियो टी लर्न एंड यू लर्ट ऑल सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्योंकि इसके पहले के बारह क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारे पिछले जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियोज़ कर रखे हैं उसमें कवर कर दिए हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे सवाल नंबर तेरह को लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टड अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बिकॉज डेली बेसिस पर कोई ना कोई नया वीडियो आप लोगों के लिए आते रहते हैं और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली बेसिस पे आपके होम पेज पर जो भी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो है वो मिलते रहेगा एंड दैट वे यू वॉन्ट मे सैन

है जिसका चार्ज Q है और मास M है, है उसको मैंने डिस्टेंस D डी अब हॉरिजॉन्टल इन्फेनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड रखा हुआ है तो यहाँ से मैं D डिस्टेंस ऊपर जाऊँगा है ना और यहाँ पे D डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दूंगा ठीक है चार्ज को दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे लेट्स से ब्लू कलर से तो ये बन गया मेरा चार्ज Q जिसका मास है M करेक्ट अब मुझे क्या बोला है वॉट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम दैट द चार्ज विल परफॉर्म इफ़ द इफ़ डिसप्लेसड स्लाइटली अलॉन्ग दी परपेंडिकुलर टू दायर तो अब ये परपेंडिकुलर टू द वायर अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ तो ये एक एस एच एम परफॉर्म करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये मुझे पूछा गया है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इस पॉइंट से इसको थोड़ा सा ऊपर एक्स डिस्टेंस डिसप्लेस करूँ और अब वो यहाँ पहुँच गया करेक्ट है क्या तो मैंने क्या किया मैंने डी डिस्टेंस पे ऑलरेडी चार्ज रखा हुआ था जो कि डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में रहा होगा है ना क्योंकि इसकेप टाइटेड डिस्टेंस बोला हुआ है तो वो डेफिनेटली एक इक्विलिब्रियम पे रहा होगा अब मैंने उसको क्या किया एक्स डिस्टेंस है थोड़ा सा ऊपर मूव किया और छोड़ दिया सवाल में खुद दिया हुआ है कि एक एस एम परफॉर्म करेगा और मुझे पूछा गया कि उस एस का टाइम पीरियड क्या होगा है ना लेकिन यहाँ पे पहले तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही में एस कर रहा है या नहीं कर रहा है और अगर कर रहा है तब मैं उसके बेसिस पे उसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ सही है क्या क्या करेंगे सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जो हमारा इक्वेशन है वो लिख के देखते हैं ना तो मैं लिख देता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेट जब तक इसको डिस्प्लेस नहीं किया गया था है ना तो क्या होगा डेफिनेटली ये चार्ज जो है इसका कुछ मास था एम तो उसके वजह से एम जी फोर्स नीचे एक्ट करेगा जो कि उसका वेट होगा है ना और वो इक्विलिब्रियम में क्यों है क्योंकि उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो इन्फाइनइटली लॉन्ग वायर है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से उस चार्ज के ऊपर लगा होगा करेक्ट है तो एम जी वेट नीचे लग रहा है दैट इज द फोर्स दैट विच इज़ एक्टिंग ऑन दैट चार्ज तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वायर के इलेक्ट्रिक या रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो उसको ऊपर धक्का देके रखेगा एंड दैट इज द रीजन कि एक वी लिब्रे में था उस पॉइंट पे करेक्ट है क्या तो जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एड करेगा वो कितना होगा फोर्स विल बी क्यू इन टू ई है ना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज का जो चार्ज जो था वो क्यू था और इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी उस डिस्टेंस पे ये होता है टू के लैमडा पॉन डी करेक्ट है क्या तो ये मुझे एक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन मिल गया सही है यहाँ तक बात क्लियर है अब मैंने क्या किया कि अब मैंने उसको एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने के बाद अब मेरा नेट फोर्स उसके ऊपर कितना एक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा अब डेफिनेटली एक बात समझो कि एम में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है ना एम तो जो उसका मास था उसके बेसिस पर उस चार्ज का जो भी एम फोर्स नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स वो कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन मैं इसको ऊपर धक्का दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी करेक्ट है तो डेफिनेटली अब इसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करना चालू करेगा अभी जब तक ये इक्वलीब्रे में था तब तक तो इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था लेकिन अब इसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा करेक्ट है तो मैं यहां पे अब लिख रहा हूँ व्हेन डिस्प्लेस्ड व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय एक्स है ना ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन जे के लिए या नीट के लिए उस टाइम पे आपको ये नहीं करना पड़ेगा ना नीट में ऐसे सवाल जनरली नहीं आएंगे डायरेक्ट सवाल आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे लेकिन जेई मेंस में ऐसा सवाल आने के बहुत ब्राइट चांसेस बनते हैं करेक्ट चलो अब मैंने जब एक्स डिस्टेंसेज को डिस्प्लेस किया तो मेरे चार्ज के ऊपर एक नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है तो बेसिकली मैंने डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में किया है तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा था दैट वॉज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो यह आ जाएगा कितना क्यू इन टू ई कितना है e हो जाएगा यहाँ पे टू के लैमडा अपॉन डी था लेकिन अब ये d नहीं बचा ये d प्लस एक्स हो गया करेक्ट तो ये हो गया मेरा अपवर्ड फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज के ऊपर लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है एम है ना एम में तो कोई चेंज नहीं है तो ये मेरा नेट फोर्स हो गया करेक्ट है क्या चलो क्या करेंगे इसको सॉल्व करें आगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ नेट इज़ इक्वल्स टू एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि टू के लैमडा इन टू क्यू को मैं एम जी डी लिख सकता हूँ क्या है ना ये इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन से जो इक्वेशन वन था मेरे पास तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम जी डी करेक्ट एम जी डी और डिविजन में क्या है डी प्लस एक्स है करेक्ट और इसके साथ सब्ट्रैक्शन में एम है तो यहां से अगर मैं चाहूँ तो मैं एम को कॉमन निकाल सकता हूँ एलगेट डी अपॉन डी प्लस एक्स माइनस वन सही है? तो ये क्या हो जाएगा एम बाहर रहेगा मुझे मिलेगा d माइनस डी माइनस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स करेक्ट तो d से d खत्म हो जाएगा आई विल गेट माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स सही है अब यहाँ पे देखो डी प्लस एक्स मैंने आपको बोला कि x इज़ वेरी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है ना मतलब जो x डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड मतलब x बहुत छोटा है कम्पेयर टू d तो मैं d प्लस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली d के बराबर ही लिख सकता हूँ करेक्ट तो जो मेरा नेट फोर्स एक्ट करेगा वो कितना हो जाएगा दैट विल बी माइनस एम जी अपॉन डी इंटू एक्स और ये देख के आपको समझ में आया होगा कि दिस इज़ ऑफ द फॉर्मैट एफ इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स है ना और अगर ये इसी फॉर्मेट का दिख रहा है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली इसमें एस एच एम परफॉर्म होने वाला है और अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा मुझे पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है टी इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के करेक्ट और यहाँ से के मुझे क्या मिलेगा देखो कंपेयर करके माइनस और एक्स जो है उसको छोड़ के जितना बचा जो ब्रैकेट के अंदर एम जी अपॉन डी वो मेरा के हो जाएगा तो आई कैन राइट टू पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के जगह एल राइट एम जी अपॉन डी है ना एम से एम खत्म हो जाएगा तो मेरा टाइम पीरियड फाइनली हो जाएगा कितना टू पाई अंडर रूट ऑफ डी बाई जी सही है तो ये हो गया मेरा इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड एंड दट इज एक्जैक्टली वट दे है तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे भी ये चीज़ दिखे आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो तो देखा आपने मतलब इसको सोल्व कैसे किया चाहे यहाँ पे तो मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था और मैंने हर चीज़ को यहाँ पे डिटेल में लिखते गया इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लगा होगा कि ज़्यादा लगा इसमें लेकिन अगर आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आप इसको खुद से सोल्व करे और आप सिर्फ एग्जाम में इसको सोल्व करने के इंटेंशन से बैठे हो इट विल बेयरली टेक वन मिनट है ना एक मिनट के ऊपर बिल्कुल नहीं लगने वाले सवाल को आपको बस दो ही क्वेश्चन लिखना पहला इक्वेशन इक्विलिब्रियम का दूसरा इक्वेशन नेट फोर्स का नेट फोर्स के इक्वेशन में इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन से सब्सिट्यूशन करके आपको के वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है सो दैट आप टाइम पीरियड निकाल सको बिकॉज टाइम पीरियड के लिए आपको लगेगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के और उसमें के जो है वो फिलहाल मेरा अननोन है इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन नेट फोर्स का लिखा और वहाँ से मैंने के निकाला और वो के को सिंपली सब्सिट्यूट कर दिया दैट्स ऑल सही है एज सिंपल एस दैट आई होपे ये सवाल आपको समझ में आएगा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर चौदह की तरफ 14th क्वेश्चन में बोला अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज केप्टन हॉरिजोंटल प्लेन एंड अ चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज इन इक्विल इब्रियम एट अ पॉइंट अबव द रिंग इस सवाल को ध्यान से देखना थोड़ा सा अच्छा सवाल है है ना तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हॉरिजोंटल प्लेन में एक रिंग रखी हुई है ना और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मैं यहाँ पर इसको यूनिफॉर्मली चार्ज बना देता हूँ तो ये जो पूरी रिंग है इस रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करेक्ट क्या नाव यहाँ पे देखो इसके सेंटर पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बना दूँ तो क्या हो रहा है ये मेरा एक्सेस है बेसिकली रिंग का है ना ये रिंग का एक्सेस हो गया इंजमेन ने बोला कि इसके ऊपर एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है जिसका चार्ज है क्यू और मास है एम ठीक है तो चार्ज क्यू और मास सेम यहाँ पे रखा हुआ है इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ है ना ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो चार्ज है इसका चार्ज क्यू है और मास सेम है ठीक है ये यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे इन्हें बोला कि ये चार्ज इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे कितने पोजीशंस पॉसिबल है इक्विलिब्रियम के वो पहली चीज़ बतानी है और दूसरी चीज़ बतानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल सही है क्या बात समझ में यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दी हुई है कि क्यू ई मैक्स जो है क्यू ई मैक्स मतलब जो फोर्स लगेगा रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ऑन द चार्ज दैट इज ग्रेटर दैन एम जी अब यहाँ पे देखो डेफिनेटली ये चार्ज रिंग के नीचे तो नहीं हो सकता था अगर ये चार्ज रिंग के नीचे रहता तो एम भी नीचे एक्ट करता इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे एक्ट करती तो चार्ज डेफिनेटली नीचे जाता तो कोई इक्विलीबिरम का पॉइंट रिंग के नीचे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता हाव एवर रिंग के ऊपर देखो तो एम जी कैन एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द रिंग एक्ट करती है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली रिंग के ऊपर पॉसिबिलिटी तो है कि मुझे इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट मिल जाए लेकिन सवाल में मुझे पूछा गया कि ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल है अब ये कैसे होगा इसको ध्यान से समझने का ट्राई करो सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो हमने रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें एक ग्राफ देखा था वो ग्राफ अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ पाओगे देखो इसका ग्राफ किस तरीके से बना था नाउ इफ़ यू रिमेंबर ये इस तरीके से बढ़ता है और आगे जाके कम होता है करेक्ट है क्या याद है ये ग्राफ है ना ये इन्फिनी पे जाके एक्चुअली ज़ीरो होता है है ना तो आप इसको डायरेक्टली टच मत करना इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है करेक्ट आई होप ये जी समझ में आई होगी और फिर हमने ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी फाइंड आउट किया अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सेस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना वहाँ पे मैंने इस ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें की हुई है सही है उसी चीज़ में हमने एक और ये देखा था कि ये जो मैक्सिमा आता है ये किस डिस्टेंस पे आता है दिस कम्स एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई रूट टू करेक्ट है क्या तो ये सारी बातें हमने वहाँ पे कर रखी थी अब यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी है जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो है ये क्या है ई e मैक्स है है ना अब इनने बोला है कि एम जो है वो छोटा है क्यू ई मैक्स से मतलब जो मेरा फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्ट कर सकता है उससे छोटा है एम तो डेफिनेटली मेरा जो एम है उसकी वैल्यू कम है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है वो भी कम लगेगा तो इसका मतलब जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है फॉर इक्विलिब्रियम वो ई मैक्स नहीं है वो उससे कहीं ना कहीं छोटी है करेक्ट है क्या क्योंकि अगर ई मैक्स के बराबर होती तो यहाँ पे क्यू ई मैक्स को एम के बराबर होना पड़ता पर क्यू ई मैक्स बड़ा है एम से इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुझे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से जितना फोर्स आ सकता है मैक्सिमम वो एम से बड़ा है लेकिन अगर मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे एम के बराबर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चाहिए करेक्ट तो इसीलिए मुझे क्यू ई मैक्स नहीं लेना पड़ेगा क्यू ई मैक्स से कम वैल्यू लेनी पड़ेगी चार्ज की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो सकती है तो मैं ई e मैक्स से थोड़ी कम इलेक्ट्रिक तो e फील्ड तो e को यहाँ पर कंसिडर करूँगा तो मान लेते हैं ये जो ई है इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एम सही है क्या तो क्यू ई इज इक्वल्स टू एम जी अगर होता है तो यहाँ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मार्क कर दी अब यहाँ पे देखो ये इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितने पॉइंट पे मिल रहा है मुझे दो पॉइंट पे मिल रहा है ना ये देखो ये एक डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स वन और ये एक दूसरा डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स टू करेक्ट तो बेसिकली यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आई कि एम जी को इक्वेट करने के लिए देर वुड बी टू पॉइंट्स देर वुड बी टू पॉइंट्स जहाँ पर मेरा एम जी जो है उसके बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स वन फ्राम द रिंग एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स टू फ्राम द रिंग सही है क्या तो एक्स वन में कम वाले डिस्टेंस को मान लेता हूँ है ना तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वन डिस्टेंस ये वाला हो गया है ना और यहीं पे एक और पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ ये भी क्यू चार्ज है एम मास है एंड दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स टू फ्राम द रिंग है ना तो मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करूँ कि x2 टू डिस्टेंस पे फ्रॉम द रिंग तो x1 और x2 ऐसे दो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो जो मेरा पहला आंसर आएगा वो क्या आएगा देयर आर टू सच इक्विलिब्रियम पॉइंट करेक्ट है ये चीज क्लियर हो गई क्या तो मुझे सवाल में पूछा गया था कि ऐसे कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉसिबल है तो मेरा आंसर है दो क्यों क्योंकि मैं क्यू ई मैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं E max से थोड़ी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे चाहिए है ना इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी और अगर ये e येक्स से कम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दो पॉइंट्स पे होगी एक डिस्टेंस एक्स वन पे एक डिस्टेंस एक्स टू पे तो एक्स वन और एक्स टू दोनों के दोनों जो है वो मेरे दो पॉइंट्स बन जाएंगे है ना ये एक्स टू डिस्टेंस है ठीक है ये एक्स टू है और एक्स वन है करेक्ट चलो अब मुझे दूसरी चीज़ क्या पूछी है सवाल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये पूछिए कि इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या क्या है ना तो मुझे बेसिकली एक्स वन एक्स एक रूपये जो इक्विलिब्रियम्स बन रहे हैं उनमें से कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है या दोनों स्टेबल है या दोनों अनस्टेबल है ये सारी चीज़ें चेक करनी है करेक्ट है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं एक्स वन डिस्टेंस की बात करता हूँ है ना एक्स वन क्या है अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक्स वन इज़ द पॉइंट विच इज़ क्लोजर टू द रिंग है ना तो एक मैक्सिमा वाले पॉइंट से ऊपर आएगा एक मैक्सिमा वाले पॉइंट से नीचे आएगा करेक्ट तो जो रिंग के पास में उसको वन डिस्टेंस बोल रहा हूँ अब एक्स वन डिस्टेंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट से यहाँ से विजुलाइज करना स्टार्ट करो ठीक है यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से विजुलाइज करना स्टार्ट करो अगर मैं ये डिस्टेंस को कम करता हूँ है ना मान लेते हैं मैंने चार्ज को जो एक एक्स एक, एक, एक वन डिस्टेंस पर रखवा तो उस चार्ज को पकड़ के थोड़ा सा रिंग की तरफ नीचे धक्का दिया थोड़ा सा रिंग की तरफ लाया तो उससे क्या होगा अब देखो ये x1 वन पॉइंट से अगर मैं थोड़ा पीछे आता हूँ मतलब रिंग की तरफ आता हूँ है ना रिंग कहाँ पे होती है ओरिजिन वाले पॉइंट पे। तो ओरिजिन की तरफ अगर मैं आता हूँ तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है लेकिन मेरा जो एम है वो तो उतना का उतना है तो जैसे ही मैंने इसको एक्स वन डिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे लाया थोड़ा सा टूवर्ड्स द रिंग लाया मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है मतलब जो इसको ऊपर धक्का दे के रख रहा था वो कम हो गया और एम ज़्यादा हो गया तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये चार्ज नीचे भागता चला जाएगा सही है क्या मतलब मैंने क्या किया मैंने इसको जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया ये नीचे के डायरेक्शन में और आगे बढ़ना चालू हो गया उसी तरीके से अगर मैं एक्स वन पॉइंट से इसको थोड़ा सा ऊपर धक्का देता तो क्या होता ऊपर धक्का देने से अब देखो एक्स वन से थोड़ा सा आप राइट में जाओ तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी बढ़ेगी और एम जी सेम रहेगा तो मेरा नेट फोर्स अब ऊपर डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा तो मैं जैसी एक्स वन डिस्टेंस से थोड़ा भी ऊपर धक्का दूंगा ये चार्ज ऊपर ऊपर चला चले जाएगा ठीक है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मैं इस चार्ज को नीचे ला रहा हूँ तो ये नीचे चला जा रहा है अगर ऊपर ले जा रहा हूँ तो ऊपर चला जा रहा है मतलब डेफिनेटली एक्स वन पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करेक्ट है क्या अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये सारी बातें भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो पुराने वीडियो ज़रूर देख लेना है ना जिसमें हमने स्टेबिलिटी की बात की थी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात की थी वहाँ पर मैंने बताया था कि कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर सिंस चार्ज को डिस्प्लेस करने पर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ रहा है वो दूर भागते जा रहा है इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो गया तो यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल गई कि एक्स वन और एक्स टू दो ऐसे डिस्टेंसेस हैं जिन दो डिस्टेंसेस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें से एक्स वन डिस्टेंस वाला जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आप एक्स वन से थोड़ा भी इसको नीचे या ऊपर धक्का दोगे तो जिस भी डायरेक्शन में आप धक्का दोगे उसी डायरेक्शन में आगे मूव करता चला जाएगा सही है अब बात करते हैं एक्स टू पॉइंट की एक्स टू पॉइंट पर स्टेबल है अनस्टेबल है ये चेक कर लेते हैं एक्स टू इज़ नाउ मैक्सिमा के आगे मतलब आप रिंग से और ऊपर चले गए अब आप एक् डिस्टेंस पे आ चुके हो करेक्ट अब एक्सट्रो डिस्टेंस पे आने के बाद अब एक्स्ट्रू डिस्टेंस पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल हो गया अनस्टेबल ये मुझे चेक करना है क्या करूँगा मान लेते हैं मैंने उसको और थोड़ा सा ऊपर धक्का दिया थोड़ा सा ऊपर धक्का देने से मैं क्या कर रहा हूँ ग्राफ में अगर देखो तो मैं ग्राफ में एक्सट्रू से थोड़ा और राइट जा रहा हूँ है ना मतलब मैं ओरिजिन से और दूर जा रहा हूँ जैसे ही मैं थोड़ा और दूर गया तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो जैसे मैंने x2 डिस्टेंस से चार्ज को ऊपर धक्का दिया मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो ऊपर धक्का देने वाला फोर्स था वो कम हो गया और एम तो उतना का उतना ही है तो नेट फोर्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और ये चार्ज वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आएगा उसी तरीके से अगर ये एक्स डिस्टेंस वाले चार्ज को मैंने थोड़ा सा भी रिंग के तर, के तरफ धक्का दिया तो यहाँ पे देखो एक्सट्रू से थोड़ा सा पीछा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जैसे ही मैंने चार्ज को नीचे किया इसका जो अपवर्ड फोर्स है वो बढ़ जाएगा क्योंकि एम जी अब भी सेम रहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक नेक्ट फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा जो आपस इसको अपनी पोजिशन पर लेके जाएगा तो डेफिनेटली एक्स पॉइंट पर मेरे पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा सही है क्या आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी है ना कि हमने स्टेबल और अनस्टेबल डिसाइड कैसे किया बहुत सिंपल सी चीज़ है जब भी आपके पास कोई इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो या चार्ज हो अगर आपको चेक करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है आप उस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और देखो अब उसमें नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है क्या आपने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है और वो अपने को वो उस चार्ज को उस इनिशियल पॉइंट से दूर लेके कर जा रहा है या वो उसको अपने इनिशियल पॉइंट के तरफ लेकर आ रहा है अगर नेट फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही एक्ट करने लगे और वो उस चार्ज को दूर लेके भाग जाए तो अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो इस तरीके से एक्ट करे कि वो उस चार्ज को वापस अपने इनिशियल पोजिशन पर लेके आए तो डेफिनेटली दैट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम सही है सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आएगा और आज की वीडियो में डिस्कस की गई दोनों की दोनों चीज़ें आपको दोनों सवाल आपको समझ में आएंगे अगर दोनों क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है सो so प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आई एल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट आउट एंड हेल्प यू आउट विथ द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन साथ ही साथ अगर इस वीडियो के लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आई एल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट आउट एंड इम्प्रोवाइज ऑन द सेम इन माई अपकमिंग वीडियोज़ तो आपको वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताना आगे के वीडियो में हम और बात करने वाले हैं दो और क्वेश्चंस की सो so, बने रहना इस सीरीज़ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना हेल्प यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी हैप्पी बी सेफ टेक है बाय